हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपी वर्ड क्लास 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ। इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का, पूर्णांक 100 नंबर का होगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, ठिठोना किसे कहते हैं? तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठिठोना डिठोना किसे कहते हैं। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मीरा को राम रतन धन प्राप्त होने से क्या क्या लाभ प्राप्ति हुई। तीसरा क्वेश्चन, मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट देख रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, यशोदा माँ बाल कृष्ण को किस प्रकार सजाती संभालती हैं। फिर अगला है, कवि ने कोई की भाग सराहना क्यों की है। फिर अगला है, पानी में अमृत वाला तत्व है उसे कौन जानता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी हिंसा से क्यों भरती जा रही, कोई जो कारण लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीरा ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या उपाय बताया। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया। अगला क्वेश्चन, रैदास ने प्रभु से अपना संबंध किस रूप में निरूपित किया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान के प्रारंभ में किन किन शब्दों से श्रोताओं का संबोधन किया। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता निःशुल्क चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए, हस्तिनापुर जाकर किसने क्या किया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है। अगला क्वेश्चन दिया है, श्याम रूपी सूची सुरुचिर कसौटी का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ जापानी का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए क्यों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतरी अंगों की बनावट की जानकारी प्राप्त करने की संस्कृति युगीन पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नर्मदा और सोन से संबंधित लोककथा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचंद्र के शरीर और कसौटी में क्या समानता। अगला क्वेश्चन है, देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने परम स्नेहजनों का करोड़ों शत्रु के समान क्यों कहा। अगला क्वेश्चन है, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल में क्या मांगा। अगला क्वेश्चन है, अमर कंटक पहुंचने के लिए लेखक द्वारा बनाए गए मार्ग की रूपरेखा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सोन नर्मदा का जल प्रवाह किन के निर्देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर क्यों किसे बैठाया। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको एमपी वर्ड क्लास 9 हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।